हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये स्टार शेप का टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने चुन्नियों से बनाया है। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास मल्टी कलर की थी, ये बीच में मैंने प्लेन लगाई है, और ये भी मेरे पास दो कलर की थी, मैरून और ब्लैक। इतनी चौड़ी चौड़ी फ्रेंड्स मैंने इसकी पट्टियां बनाई हैं। आपके पास कोई भी चुन्नी हो या साड़ी हो या लेगिंग हो, कुर्ती हो, कोई भी आपके पास मटेरियल हो जो ऐसे ही हम यूज नहीं करते, आप उनकी पट्टियां बना के आप इसको बना सकते हो। और फ्रेंड्स, 8 नंबर की निडल का मैंने इसमें यूज किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसमें मैंने 25 फंदे डाले हैं। एक बार आप समझ लोगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। 25 फंदे मैंने इसमें डाले हैं और 10 फंदे फ्रेंड्स मैंने यहां तक इसमें बढ़ाए हैं, और पीछे मैंने तीन तीन का पेड़ बना के फंदे छोड़े हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन को समझने के लिए प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिए, जब ये आपकी समझ में आएगा कि इसको मैंने कैसे बनाया है। देखिए, ये भी मेरे पास मल्टी कलर की चुन्नी है, ये देख सकते हो आप। इसकी भी मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने पट्टियां बनाई हैं। अगर आपके पास मोटी नीडल है 6 या 7 नंबर की, तो थोड़ी सी आप और चौड़ी पट्टी बना लीजिए। ये देखिए, सिंपल हम इसमें नोट लगाएंगे। ये बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीके के फंदे मैं आपको इसमें डालने सिखाऊंगी। ये देखिए, दो, एक हमारा ये नोट से हो गया, और एक ये, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे ही हमने फंदे इसमें डालने। फ्रेंड्स, तो मैं इसमें 25 फंदे डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, 25 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट रो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा आप आराम से बनाइए। फंदे हमारे टाइट हैं, तो थोड़ा सा आराम आराम से आप इसको ऐसे उल्टा उल्टा इसको बना के आप इस रो को कंप्लीट करिए। और अगर फ्रेंड्स आपको बनाना आता है, तो जैसे आप फंदे डालते हो, आप वैसे फंदे डाल के भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। ये मैं बिगनर्स के लिए मैंने ये फंदे बताए हैं आसान तरीके के। और फ्रेंड्स, अगर आपको बड़ा बनाना है, तो आप इसमें ज़्यादा फंदे डाल लीजिए, जितना आपको बड़ा बनाना है। जैसे पूजा का आसन वगैरह बनाओ, तो आप इसमें ज़्यादा फंदे डाल लीजिए। ये देखिए, लास्ट का फंदा जो हमने नोट लगाई थी, उसको भी हम बना लेंगे। ये देखिए, पूरी रो बना के हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड, जब हम ऐसे फंदे डालते हैं, तो ये हमारी उल्टी साइड होती है और ये हमारी देखिए सीधी साइड है। तो अब हम अपना डिजाइन यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, ऐसे फंदा बढ़ाएंगे हम, ऐसे निडल पे लपेटेंगे, और हमारा एक यहाँ पे फंदा बढ़ गया। और ये जो है फ्रेंड, आप इसको भी इसके साथ ही लपेट लीजिए। कली की हमने स्टार्टिंग कर ली, एक फंदा हमने इस साइड बढ़ा लिया, और तीन फंदे हम लास्ट में
छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी रह गई, तो मैं इसमें अब जॉइंट लगाऊंगी। तो वो कैसे लगाऊंगी आप एक बार देख लीजिए, हमें इसमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं। जब आपकी पट्टी ख़त्म हो जाए, अगर आप साड़ी या चुन्नी से बना रहे हो, दूसरी पट्टी लेके और आप इसके बीच में ऐसे रख के इसको ऐसे हाथ से अंगूठे और उंगली से रोल रोल कर दीजिए, आपका ज्वाइंट यहाँ पर लग जाएगा। देखिए, और हम तीन फंदे छोड़ के हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। और इस रो को भी हम ऐसे ही दोनों तरफ से फ्रेंड्स हमने उल्टा उल्टा बनाना है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं इस साइड से बताऊंगी। ये देखिए, ये भी रो मैंने पूरी कर ली। अब देखिए, फिर से हम पिछली बार हमने एक फंदा बढ़ाया था, फिर से हम ऐसे लपेटेंगे। ये हमारा दूसरा फंदा है और इसको भी हम बढ़ा के इस रो को ऐसे ही बनाएंगे। तीन फंदे हमने पहले छोड़े थे और तीन फंदे मैं इस बार छोड़ दूंगी। इस साइड फ्रेंड्स हम तीन तीन फंदे छोड़ेंगे और उस साइड में तीन तीन फंदे हम सॉरी एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए, तीन पहले छोड़े, तीन मैं इस बार छोड़ दूंगी और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस रो को मैं बना के कंप्लीट करती हूं। अबे आप एक बार और देख लीजिए, हमने ऐसे लपेटना है और ये हमारा तीसरा फंदा है। एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और तीन फंदे हम पीछे छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, पीछे से हमारे फंदे घटते जाएंगे। आप इसमें फ्रेंड्स कितने भी कलर आप इसमें लगा लीजिए। ये देखिए, ये हमने तीन तीन का पेयर बना, तीन बार छोड़ लिया और तीन फंदे हमने फ्रेंड्स इस साइड बढ़ा लिए। तो ये ऐसे करके तीन तीन करके मैं सारे ही फंदे छोड़ दूंगी। 10 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि ऊपर हमें क्या करना है। हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बनाना है 10 फंदे बढ़ा के, फिर आगे का बताऊंगी कि आगे हमें ये शेप कैसे बनानी है। तो मैं इसको कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए। देखिए, तीन तीन फंदे करके मैंने ये 10 बार छोड़ दिए हैं फ्रेंड्स। 25 तो फंदे हमारे थे, 24 फंदे का मैंने तीन तीन का पेयर बनाया था और आगे के फंदे मैंने तीन फंदे जो हमारे फंदे बढ़ गए थे उनमें से तीन तीन का पेयर बना के यहाँ पे मैंने टोटल 10 फंदे बढ़ाए हैं। तो इसके पीछे पीछे हमारे ये फंदे जो हमने डाले थे वो 25 फंदे हैं और आप देख सकते हो 3 और 6 और 9 और 1 10 10 फंदे हमने यहां से लेके और यहां तक हमने बढ़ा लिए हैं। तो देखिए, हाफ कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना, जैसे हमने बढ़ाए थे ऐसे ही हमने फंदे घटाने हैं। ये हमने 2 का 1 किया और आगे से हम एक हमारा यहाँ पे घट गया और 2 हमने आगे से ले लिए।
और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स हमने तीन तीन फंदे छोड़े थे, ऐसे ही हम अब तीन तीन फंदे इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, एक हमने घटा लिया, फिर से हम एक फंदा इसमें और घटाएंगे। ये देखिए, और आगे से हम इसमें तीन फंदे और हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, एक हमारा यहाँ पे घट गया, दो हमारे यहाँ पे घट गए, और तीन तीन करके दो बार हमने इसमें ऐड कर लिए। अब हम यहाँ पे फिर से इसमें मैं ज्वाइंट लगाऊंगी, तो आप एक बार और देख लीजिए हमें ज्वाइंट कैसे लगाना है। पट्टी को इसके अंदर रख के ऐसे हमने इसमें ज्वाइंट लगा लेना है। अगर कोई एक्स्ट्रा आए तो बाद में इसको जब आप फिनिशिंग करो तो काट दीजिए। ये देखिए, ये हमारी कली की शेप बननी स्टार्ट हो गई। दो फंदे हमने फ्रेंड्स घटा लिए, फिर से हम इसमें एक फंदा और घटाएंगे। ऐसे ही हम अंदर से तीन तीन फंदे ऐड इसमें कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे अलग से दिखाई देंगे फंदे, उनको हमने तीन तीन इसमें ऐड कर लेना है। जब हमारे 10 फंदे घट जाएंगे तो फ्रेंड्स हम एंड तक पहुंच जाएंगे, जैसे हमने छोड़ने शुरू करे थे। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी इसकी शेप बनेगी। देखिए फ्रेंड, फोर्थ फंदा हमारा है ये। और हम अंदर की तरफ तीन तीन फंदे हम अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, आपको अलग से दिखाई देंगे बिल्कुल। और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूं। ऐसे ही मैं इसमें घटाऊंगी, यहां से मैं एक एक फंदा घटाऊंगी, और पीछे से आप देख सकते हो यहां तक हमने ऐड कर लिए। फिर हम ऐसे तीन तीन फंदे इसमें सारे ही हम एंड तक ऐड कर लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अगली कली की स्टार्टिंग में आपको बताऊंगी हमें कैसे करनी। देखिए फ्रेंड्स, लीफ हमारी ऑलमोस्ट बनके कंप्लीट हो गई है। ये तीन फंदे मेरे यहाँ पे एंड में बचे हुए हैं, तीन तीन करके मैंने सारे इसमें ऐड कर लिए, और एक फंदा मैं यहाँ पे और घटाऊंगी। इस कली की ये हमारी लास्ट रो है। आप ध्यान से देखिए, ये हमने दो का एक किया। और ये एंड तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट बार आप एक बार और देख लीजिए मैं इसमें ज्वाइंट कैसे लगाऊंगी। अगर आप साड़ी से बनाओगे तो साड़ी की फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी लंबी पट्टियां बनेंगी। ये मेरी चुन्नी थी तो इसलिए ये छोटी पट्टियां हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आपको कहीं पे भी इसमें हमें नोट नहीं लगानी है, कहीं आपको ज्वाइंट नजर नहीं आएगा। ये जो एक्स्ट्रा थोड़े बहुत ये जैसे निकल जाते हैं, तो आप इनको सीजर से बाद में इसकी फिनिशिंग कर लीजिए। ये देखिए, अब हमारे पास जितने फंदे हमने डाले थे 25 फंदे, उतने ही फंदे इसमें हमने कर लिए हैं वापस। 10 फंदे बढ़ाए थे तो 10 फंदे हमने घटा लिए। और देखिए, ये हमारा कली का एंड हो गया। लास्ट के तीन फंदे भी हमने इसमें ऐड कर लिए। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको एक ही कलर से बनाना है तो आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही बनाइए। मैं इसमें आपको सेकंड कलर लगाना दिखाऊंगी, तो वो हम कैसे लगाएंगे देखिए।
आप जितने भी कली हो फ्रेंड्स, जितने भी आपके पास कलर हो, आप सारे ही कलर इसमें भर सकते हो। ये रंगोली टाइप से बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए इसको यहाँ पे टाइट करके आप इसके नोट लगा दीजिए, या आप इसको इसके साथ साथ ऐसे ही बना लीजिए। यहाँ पे आपका ये पक्का हो जाएगा, छोटा रहे तो इसको आप ऐसे अंदर ले लीजिए साथ साथ, और एक्स्ट्रा कुछ निकले तो उसको बाद में काट दीजिए। देखिए यहां से हमें अपना सेकंड कलर लगा लिया। जब भी आप कलर लगाओ फ्रेंड्स, तो आप रॉन्ग साइड से, आप बैक साइड से इसमें कलर लगाइएगा। ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है। दूसरी कली की मैं आपको स्टार्टिंग करके बताऊंगी, ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने अपना कलर इसमें ऐड कर लिया। सारे ही फंदे हमने इसमें बना लिए हैं, इसको आप टाइट रखिएगा। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने नीचे से स्टार्टिंग की थी वैसे ही हम इसमें स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग से ही हम इसमें ऐसे रोल करके, ये देखिए ऐसे घुमाया, और ये सबसे आसान तरीका फ्रेंड्स फंदा बढ़ाने का। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया, बाकी आप जैसे आपको अगर बढ़ाने आते, जो भी आपका तरीका हो आपको इजी लगे, आप वैसे ही इसमें फंदे बढ़ाइएगा। देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया और लास्ट में तीन फंदे हम इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए तीन फंदे हम छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे नीचे बनाया था हमने, ये हमारा हमने फंदा बढ़ा लिया। अब हमने यहाँ पे 10 फंदे बढ़ाने हैं, जैसे हमने ये बढ़ाए थे, और फिर हमने 10 फंदे एक एक करके ऐसे ही घटाना है, और यहां से हमने तीन तीन फंदे इसमें ऐड करते हुए एंड तक हमने इसमें जाना है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप कंटिन्यू बनाओगे, इसको मैं कंप्लीट करूंगी, जब आप कंटिन्यू बनाओगे तो इस तरह से इसकी लुक आएगी। आप इसमें कितने भी कलर आप इसमें लगा सकते हो, ये मल्टी कलर में बहुत ही सुंदर लगेगा। और फ्रेंड्स आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, और आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।